विधानसभा के चुनाव में अभी भले ही लंबा समय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में 24 घंटे के अंदर प्रदेश सरकार के दो उप मुख्यमंत्रियों ने रायबरेली का दौरा किया और केंद्र प्रदेश की सरकार कल्याणकारी योजनाओं को पब्लिक के बीच में जाकर शेयर किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अमेठी में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद बरेली के बछरामा विधानसभा के शिवगढ़ ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के करोड़ों की लागत की 123 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज यहां पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया, जिसमें सड़क भी सेतु भी और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास सबको सम्मान सबको स्थान, जय हिंदुस्तान। के बाद आने का मौका तो मुझे रायबरेली बहुत बार मिला है, लेकिन शिवगढ़ आने का मौका मुझे शायद पहली बार मिला। बछरावा में चुनाव की दृष्टि से आया था, लेकिन आपके लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई आदरणीय रामनरेश रावत जी कहें आपको आना पड़ेगा। मैंने सोचा कब जाऊं, तो आज अमेठी जहां कमल खिल चुका है और जहां 2024 में एल्को पंप वाटर पंप की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम, पेश करते हैं समर सेबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, शैलो वेल पंप। शैलो वेल पंप हाई प्रेशर स्टार्टर, हाई प्रेशर पंप। ज्यादा इंक्वायरी के लिए कॉल करें एल्को इंडस्ट्रीज, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर।